डर के भाग गई। तो भाई आज मैं आया हुआ था मेरे इन-लॉज के पास में जयपुर, और जयपुर आने के बाद मेरे को यहाँ पर अपने कुछ सब्सक्राइबर्स मिले हैं चैनल के, जो कि मेरे चैनल को देखते हैं, और उनसे मेरी बातचीत हुई। फिर मेरे को पता चला कि उनके पास भी एक जर्मन शेफर्ड है, और अभी जो जयपुर डॉग शो हुआ था वो उसमें उस जर्मन शेफर्ड को लेके आए थे। तो वो जर्मन शेफर्ड बहुत ही बढ़िया है, पीछे दिख रहा होगा आपको। तो मेरे मतलब इस चैनल पे यही है यार, हम लोग डॉग्स वगैरह दिखाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इन भैया से मिलते हैं और इनके डॉग से भी मिलते हैं इनके, और वीडियो के एंड में एक और छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एक और डॉग से मिलाऊंगा वो भी। और चीज बताता हूँ, इसका टेम्परामेंट बताता हूँ मैं आपको, इसको मैं कैसे भी प्यार करूँ ना, ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होता भाई, देख लो बिल्कुल भी। मतलब ये क्वालिटी होती है शो क्वालिटी के डॉग की भाई, शो करने वाला कुत्ता है। अभी ये कितने साल का हो चुका है भाई? भैया ये अभी 14 महीने का डॉग है। तो भाई 14 महीने के हिसाब से इसकी ग्रोथ देख सकते हो यार, कितनी सही। अच्छा अभी आप इसको डाइट वगैरह में क्या क्या देते हो, जैसे लाइक क्या खिलाते हो? अंडे वगैरह, चिकन वगैरह। चिकन और अंडे? तो भाई चिकन और अंडे वगैरह। अच्छा डॉग फूड नहीं खिलाते आप इसको? नहीं, वो कभी कभार। कभी कभी क्यों, ऐसे डॉग फूड क्यों नहीं खिलाते? तो भाई देख सकते हो यार, भैया भी इसको डॉग फूड नहीं खिलाते, और मैंने कई ब्रीडर्स के इंटरव्यू देखे ना, वो लोग भी डॉग फूड खिलाना नहीं प्रेफर करते। जो नॉर्मल अपना खाना होता है ना इंसानों वाला, जैसे चिकन और ये अपना पनीर वगैरह एग्स वगैरह, ये ज्यादा प्रेफर करते हैं ब्रीडर्स लोग खिलाना डॉग्स को। क्योंकि यार ना मैंने कई बार देखा ना, डॉग फूड के साथ में ना कई बीमारियां भी आ जाती है डॉग में, कई बार डॉग का डाइजेशन भी इतना अच्छा नहीं रहता डॉग फूड की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं भाई। प्रधान कम आ जा। अच्छा देख रहे हो, इसका मास्टर इसको कुछ नहीं बोल रहा था, मेरे पास भी नहीं आते से लोग। तो भाई एक बार वापस से कोशिश करते हैं प्रधान को स्टैग में लेके आने की, बहुत मुश्किल होता है जर्मन शेफर्ड को स्टैग पोजीशन मेंटेन रखना, और कोई अगर डॉग रख लेता है ना मेंटेन थोड़ी देर के लिए, तो उसको मतलब कुछ तो मिलता ही है यार। ये मतलब डॉग शो में देखते हैं इनका स्टैग पोजीशन कितना अच्छा होता है। अब आवाज लगाना भी है। ले ले ले, चलो ठीक है, वैसे तो काफी अच्छा इसका आ गया होगा फुटेज। अब इसमें से अपन को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसी फोटो आई थी। ये वाला डॉग है। अच्छा यहाँ पे देखो कितने व्हीकल वगैरह, जयपुर का सबसे ट्रैफिक वाला एरिया है ये, बट फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ट्रैफिक से। प्रधान ना ध्यान से प्रधान अच्छा यहाँ से देख सकते हो आप, थोड़ा क्या छाया के अंदर लेके आया ना इसको, शेडो के अंदर। अब ये देखो धूप में आते ही वापस से इसका कलर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, और वापस से छाया में जाते ही वापस से रेड हो गया। प्रधान देखो लोग कैसे आवाज लगाना। तो गाइस ये देख सकते हो ब्लैक जर्मन शेफर्ड फीमेल, ये ओनली 2 मंथ ओल्ड है, कितनी प्यारी है भाई, कलर कितना अच्छा है इसका। और वहां पे देखो एक और मस्त सी वर्किंग लाइन की जर्मन शेफर्ड है भाई। असली जर्मन शेफर्ड जो है ना वो यही चीज है जिसको जर्मन शेफर्ड कहते हैं, और जो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड होते थे ना वो ये होते थे। कितना हुआ इसका, कितने हुए? ओके तो भाई ये लास्ट टाइम मैं आया था ना जब ये कंसीव्ड थी, और अभी इसने 4 पपीज दिए, तो इनके पपीज से भी मैं आपको किसी दिन मिलाऊंगा कभी वापस यहाँ पे आऊंगा जब। आज फिलहाल आप मिलिए इस ब्लैक कलर की प्यारी सी जर्मन शेफर्ड से, वही कितनी क्यूट है। वो पप्पा कर गए हैं, हाँ देखा इसने तो बेचारे ने दांत भी नहीं दिखाया उसको, और उसी ने दिखाया। ओ यार ये कितनी क्यूट है, देख रहे हो।
She's so cute यार। हेलो डर के भाग गई। तो भाई ये रहा अपना ब्लैक फीमेल जर्मन शेफर्ड। भाई हेलो, बहुत क्यूट है भाई, देख सकते हो कितनी हैवी है ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अलग अलग डॉग्स जैसे आपको मिलाता रहूंगा। अब आने वाली वीडियोस में काफी सारे जयपुर में काफी सारे दोस्तों से मिलने जाऊंगा ना, तो वहाँ पे अलग अलग डॉग्स से मिलेंगे और खूबसूरत खूबसूरत डॉग्स से मिलेंगे, बिल्कुल यूनिक यूनिक है ना। अभी इसके कान खड़े होने वाले हैं भाई, कान खड़े होने के बाद कितनी प्यारी लगेगी ये देखो, ये ऐसी कुछ दिखाई देगी ऐसी। ये बहुत क्यूट है यार। हेलो 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 हेलो, अभी डर के भाग गई थी, इसके पास लेके जाओ इसको थोड़ा। डर रही है वो। ए ए चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा।